नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज शाम रामनगर कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले अपर कोसी बैराज के पास राज्य मार्ग सड़क के किनारे टाइगर के अपने मारे हुए शिकार के साथ देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वही मौके पर वन कर्मियों ने सुरक्षा के चलते राजमार्ग को बंद करवाया। बताया जा रहा है कि कल बाघ द्वारा एक गाय का शिकार किया गया था, जिसको खाने के लिए बाघ इस क्षेत्र में बना हुआ है। आपको बता दें कि रामनगर हल्द्वानी राज्य मार्ग पर सड़क किनारे जंगल में टाइगर ने एक गाय को कल अपना निवाला बनाया था और आज फिर टाइगर उसे खाने के लिए उस स्थान में आकर अपने मारे गए शिकार के बगल में काफ़ी देर से बैठा हुआ है। वहीं टाइगर को वॉक पर निकले राहगीरों द्वारा देखा गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सूचना पर पहुंच गई और बाघ को देखने के लिए क्षेत्र में लोगों की लगी भीड़ को हटाया गया। उसके साथ ही सुरक्षा के चलते राजमार्ग को बंद करवाया गया। वहीं से विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि आज शाम हमें सूचना मिली थी कि रामनगर वन प्रभाग के अपर कोसी बैराज में एक बाघ अपने शिकार के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाघ की मूवमेंट कल भी देखी गई थी। उन्होंने कहा कि कल इस बाघ द्वारा एक गाय को निवाला बनाया गया था, उक्त गाय को खाने के लिए ही बाघ इस क्षेत्र में बना हुआ है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वन कर्मी बाघ की मूवमेंट पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही बाघ जंगल के अंदर जाएगा, हमारे द्वारा एक बार फिर राजमार्ग को चालू कर दिया जाएगा। बाघ द्वारा टाइगर वाला जो है एक गाय को किल किया गया था। अभी शाम को सूचना मिली कि वो टाइगर जो है उस गाय को खाने के लिए यहाँ पर आया है, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जो लोगों को जो है इधर उधर जाने से रोक रही है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस भी हमारे साथ है, बाकी देखते हैं। नहीं, रिएक्शन नहीं किया जा सकता, उसका किल किया हुआ है, वो खुद ही अभी इधर को जंगल को चले जाओ, बैठा हुआ है अभी, बैठा हुआ है। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। धन्यवाद। We'll be right back.